नमस्कार दर्शकों, तो हम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम आज का राशिफल। आज के राशिफल में हम आपको बताएंगे आज का आपका दिन कैसा कटने वाला है, आज के दिन क्या कुछ खास आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, आज के दिन आपकी जीवन में बहुत कुछ आपको हासिल हो सकता है या क्या कुछ परेशानियाँ आज के दिन आपको आने वाली हैं। इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस आज के खास राशिफल में। सबसे पहले आपको बता दें कि राशिफल का हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी कई जानकारी आसानी के साथ प्राप्त की जा सकती हैं। वहीं ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया गया है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा समान नहीं रहती हैं। आज 25 फरवरी यानी कि सोमवार का शुभ दिन है। आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस खास राशिफल में मिलने वाला है। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं अपनी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। मेष राशि, आपको व्यापार में अचानक धन लाभ हो सकता है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। वहीं जीवन साथी को लेकर आपकी जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। नए व्यक्तियों से भेंट से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी हां, आपके किसी नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। आज आप जो पहल करेंगे या नया कदम उठाएंगे, समय आने पर उसके अच्छे नतीजे भी आपको मिलेंगे। कोई ख़ास चीज़ आपको आज मिल सकती है। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है और इनको लाभ ज़रूर होने वाला है। खुशियां भी इनकी ज़िंदगी में दस्तक देने वाली हैं। वृषभ राशि, आपको बता दें महादेव की कृपा से लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत हो जाएगा। सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। व्यवसायिक कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें। आपको धार्मिक सामाजिक कार्यों में भाग लेना होगा। वहीं सामाजिक तौर पर देखा जाए तो आपको आत्मिक बहुत ज़्यादा आत्मसम्मान मिलेगा। शाम को दोस्तों के साथ अच्छा समय बीत सकता है। कार्य की अधिकता के कारण आपको मानसिक परेशानी रह सकती है। चलिए दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज आपको किसी से समझौता करना पड़ सकता है। जी हाँ, लेकिन कुछ फायदों को देखते हुए भी थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कोई निजी परेशानी है तो आपको उससे संबंधित आवश्यकता सूचना भी मिल सकती है। वहीं अपने महत्वपूर्ण कामों की सूची जरूर बनाएं और उन पर ध्यान दें। खुद को किसी से कम बिल्कुल ना समझें। जो आप सोचेंगे वही आसानी से हासिल भी कर पाएंगे। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता रहेगा। आपको लाभ होता रहेगा और आपको फायदा इसका जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज किसी पर भी आपको आंख बंद करके विश्वास करना बिल्कुल ही घातक साबित हो सकता है। साथ ही इससे आप बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हैं। वहीं महिला दोस्तों का सहयोग अधिक मिलेगा। सेहत की अगर बात की जाए तो आपकी सेहत काफ़ी ज़्यादा आज खुशनुमा रहने वाली है। वहीं धार्मिक परोपकार के काम में आपका काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा, यानी कि भगवान के प्रति आपका मन ज़्यादा लगेगा। कार्य निर्णय बहुत शांति से विचार करके करना ही शुभ है। कार्य के विस्तार की योजना बनेगी। वहीं हमेशा के लिए कुछ अलग करने की आदत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। नौकरी में भाग दौड़ रह सकती है और व्यवसाय क्षेत्र में सामान्य लाभ प्राप्त हो सकता है। चलिए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज नए बिजनेस या नौकरी के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। वहीं कई महत्वपूर्ण मामले आज आपके टल भी सकते हैं, लेकिन उससे आपको फायदा जरूर होगा। आपके जीवन से सभी कठिनाइयां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आज के दिन आपकी योजनाओं में आखिरी पल में बदलाव हो सकते हैं। साथ ही मनोरंजन की सभी सामग्री आज आपको उपलब्ध होगी। सुंदर वस्त्र, उत्तम खाना और वाहन, भौतिक सुख सुविधाएं आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आज हासिल हो जाएंगी। व्यक्तित्व आपका काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगा। आज आपकी सराहना की जा सकती है। समाज में आपका सम्मान हो सकता है या आपको किसी भी क्षेत्र में आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज आपको जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में संदेह हो सकता है। आप एक छोटा सा काम शुरू कर सकते हैं। महादेव की कृपा से वहां से अपना और आपका रास्ता काफ़ी तेज़ी से खुलता हुआ नजर आएगा। किसी धार्मिक अथवा मांगलिक प्रसंग में आपकी उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा रहेगी। आपके लिए बेहतर यह रहेगा कि सोचे हुए काम बहुत जल्दी पूरे कर लें। कामकाज के मामलों को
सुलझाने के लिए अपनी होशियारी और प्रभाव का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। वहीं करियर के मामले में किस्मत का साथ आपको ज़रूर मिल सकता है और आपको लाभ भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। चलिए जानते हैं तुला राशि वालों का हाल। धार्मिक यात्रा के लिए आज आपका काफ़ी अच्छा दिन है। जी हाँ, भगवान के प्रति आपकी आस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं आज मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेलकूद को शामिल किया जाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वहीं नौकरी पेशा दोस्तों पर काम का बोझ आपका ज़्यादा रह सकता है। श्रेष्ठ अधिकारी की प्राथमिकता के कारण आपको काम को कम से पहले पूरा करना होगा। आज आप अपने कार्य को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्य को काफ़ी ज़्यादा और ऊंचा स्तर पर तय कर सकते हैं, यानी कि आपके जो सपने हैं उनको काफ़ी अच्छे तरीके से आप बखूबी निभाते हुए नजर आएंगे और आपको फायदा जरूर होगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज आप लंबित कार्यों को तेजी से पूरा कर देंगे। जी हाँ, जो आपके कार्य काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनके लाभ आने पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही आपको खुशियों की सौगात वरदान के तौर पर आज हासिल हो सकती है। महादेव की पूरी कृपा से अतिरिक्त आय के लिए अपने सृजनात्मक विचारों का सहारा लें। दिन को खास बनाने के लिए स्नेह और उदारता के छोटे छोटे तोहफे लोगों को दें। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि जरूर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आपको जरूर रखना है। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी आपको जरूर बरतनी है। वहीं रियल एस्टेट संबंधित निवेश आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। जी हाँ, आप कोई भी काम शुरू करने से पहले या किसी भी जगह निवेश करने से पहले भोलेनाथ का दीदार जरूर कर लें और लाभ आपको जरूर होगा। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज समाज में आपका सम्मान और गरिमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। वहीं यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद भी साबित होगी। भाग्य का साथ मिलता रहेगा। क्रोध करने से आपको बचना होगा। जी हाँ, आपको गुस्से से, परेशानी से, क्रोध से आपको ज़रूर बचना है। वहीं पार्टनर से सहयोग जरूर मिलेगा। घर के बाहर के मामलों में आपकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आपका आत्मविश्वास भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। धार्मिक कार्यक्रम में सहभागी आप होते हुए नजर आएंगे। अगर आप अपना ज्ञान और अनुभव औरों के साथ बांटेंगे तो आपको निश्चित ही प्रतिष्ठा जरूर मिलेगी। समाज भी आपका सम्मान करता हुआ नजर आएगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अव्वल दर्जे पर अपनी आमद दर्ज कराते हुए नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज महादेव कहते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित हो सकता है। आज आपके मन को योगियों की तरह शांत चित्त बनाए रखें। विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का मौका भी आपको मिल सकता है। दान पुण्य के काम आपको मानसिक शांति और सुकून देंगे। वहीं बाहर घूमना फिरना, पार्टी और मौज मस्ती आपको अच्छे मूड में रख सकती है और आपको लाभ जरूर होगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का हाल। आज मानसिक चिंता आपको रह सकती है। वहीं कोर्ट कचहरी के कार्यों में निष्फलता से बचने का प्रयास जरूर करें। किसी पुरानी बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, जिससे आप राहत काफी ज्यादा महसूस कर पाएंगे। आप निवेश और भविष्य की योजनाओं के बारे में किसी को कुछ भी ना बताएं। अपने करियर पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं। जी हाँ, कोई बेहतरीन नया विचार आपको आर्थिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएगा। काफ़ी ज़्यादा आप तरक्की करते हुए नजर आएंगे। चलिए अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज बिजनेस में विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे बचकर आपको रहना होगा। राजकीय व्यक्तियों से संबंध आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे एवं सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। सूर्य को जल अर्पित करें, इससे आपके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आपको कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। रुका हुआ पैसा आपको अचानक मिल सकता है। जी हाँ, जो आपका अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ पैसा है वो आपको जरूर मिलेगा। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। आपकी पहली नजर में किसी से आपको प्यार हो सकता है, उस प्यार का फायदा भी आपको जरूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम आज का राशिफल में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।